हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ आप लोग इसे इजीली बना सकते हो। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले इस कढ़ाई में 4 टेबल स्पून या 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसमें 1 मीडियम साइज प्याज को बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट्स के लिए फ्राई करूंगी, जब तक ये प्याज कुछ हद तक नरम हो जाए। उसके बाद इसमें 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट को क्यूब के शक्ल में कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी, जब तक इस चिकन का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक ये ब्राउन हो जाए। जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक, नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करना। 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर। यहाँ पर इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन सभी मसालों को ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूंगी। उसके बाद इसमें 5 टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में से पकाऊंगी। यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करूंगी एंड इसमें 1/2 कप व्हिस्क किया हुआ दही ऐड करूंगी। उसके बाद इसमें 1/4 कप क्रीम ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को ऑन करूंगी एंड इसे लो फ्लेम में 2 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पर इसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट ऐड कर। अगर आप लोगों के पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, 1.5 टीस्पून आप लोग वो ऐड कर, इसका कलर अच्छा आ जाएगा। जी सर, आप लोग देख रहे हो ये ऑयल कुछ हद तक सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर इसमें 3/4 कप पानी ऐड करूंगी एंड इसे कवर करके लो फ्लेम में 8 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। उसके बाद इसका कवर हटाकर इसमें 1 टीस्पून क्रश किया हुआ कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ एंड यहाँ पर इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाऊंगी। लास्ट में इसमें 3 से 4 टेबल स्पून तक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ एंड इस तरह ये डिश सर्व करने के लिए रेडी है।